गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेस। मैं सैम केशव शर्मा, योर न्यू टीचर फ्रॉम डैफोडिल्स स्कूल। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपने अपनी ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स से अपनी एजुकेशन शुरू कर दी होगी, और जिन बच्चों ने अभी तक ऑनलाइन वीडियो लेक्चर लेना चालू नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर से जुड़े और अपने पढ़ाई से पढ़ाई करें। तो आइए, आज हम क्लास 6, 7 एंड 8 के लिए एक टॉपिक संज्ञा नाउन का लेके आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक नाउन के बारे में जानकारी करते हैं, अपनी संज्ञा के बारे में देखते हैं संज्ञा किस, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके पार्ट्स एंड कुछ एक मतलब आपको उनके बारे में जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को संज्ञा। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा क्या है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण आदि के बारे में जो विशेषताओं को बताते हैं आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जो भी इनकी विशेषताएं वो बताते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, एक बार परिभाषा दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो भी इनके अंतर्गत आते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, तो ये इनके बारे में कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे व्यक्ति के रूप में ले लेते हैं हम राम, श्याम, मोहन आदि, कोई भी नाम ले लें आप, आपका नाम, मेरा नाम, कोई का भी नाम ले। इसके बाद में वस्तु देखते हैं, वस्तु जैसे पंखा है, कुर्सी है, बेंच है, ऐसे कोई भी वस्तु आपने कोई भी वस्तु ले सकते हैं। इसके बाद में अपना स्थान, स्थान के बाद में जयपुर है, उदयपुर है, कोटा है, करौली है, कोई भी स्थान ले सकते हो आप अपने हिसाब से। ठीक है, इसके बाद में भाव, भाव का आपने लड़ाई है, एक अच्छा स्वभाव है, या कोई भी आपका भाव ले सकते हो। इसके बाद में गुण है, तो गुण में आपका कोई भी गुण, जैसे आपको खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, तीखा है, गर्मी है, सर्दी है, कोई भी गुण आप ले सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं संज्ञा शब्दों के। तो इनसे आगे बढ़ते हैं और इनके टॉप मतलब इनके पार्ट्स के बारे में देखते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, इसके भेदों के बारे में बताते हैं आप। तो संज्ञा संज्ञा प्रमुखतः 5 प्रकार की होती है। तो देखिए संज्ञा कौन कौन सी होती है, आइए इनके बारे में डिस्कशन करते हैं, शुरू करते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक, अगला है आपका द्रव्य बहुवचन समूहवाचक, और पांचवी है द्रव्यवाचक। तो 5 संज्ञा शब्द, 5 संज्ञा है इनके, 5 मतलब संज्ञा के 5 पार्ट है। तो आपको मैंने बता दिया, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा है समूहवाचक, और पांचवा है द्रव्यवाचक। तो आइए इनके बारे में भी जानकारी करते हैं हम कि अपनी ये संज्ञा जो संज्ञा के पार्ट से इनके बारे में क्या क्या जानकारी है। तो आइए शुरू करते हैं। पहली आती है अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कहती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा को। तो अपनी डेफिनेशन का चलते देखते हैं। जिस संज्ञा के अंतर्गत किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, मतलब जिस संज्ञा के अंतर्गत आपको किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का अथवा किसी स्थान का बोध हो, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उनके नाम होने चाहिए, ठीक है, तो उनको संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए देखते हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम के देखते हैं। तो व्यक्ति का नाम ले लेते हैं हम, कोई भी व्यक्ति ले लें, राम है, श्याम है, मोहन है, मदन है, कोई भी नाम ले लो। इस प्रकार देशों के नाम देखते हो, अभी मैंने आपको बताया था कि उनके नामों के ऊपर आपको व्यक्तिवाचक का प्रयोग करना है। तो देखते हैं देशों के नाम पे, देश हमारा भारत है, जापान है, अमेरिका है, चीन है, नेपाल है, कोई भी देश का नाम ले सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद तो वैसे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपको वीडियो बीच में थोड़ा सा गैप मिला, आइए दोबारा से शुरू करते हैं हम। तो हम बता रहे थे आपको व्यक्तिवाचक के बारे में। तो इनके जैसे किसी व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान आदि, इनके विशेष नामों के बारे में आपको, इसके बारे में आपको व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएंगे। तो देखते हैं पहले व्यक्ति के नाम से। तो व्यक्ति का नाम जैसे राम है, मोहन है, श्याम है, मदन है, गोपाल है, कोई भी आप नाम ले सकते हैं, जैसे आपका नाम है, मेरा नाम है, किसी का भी नाम ले सकते हैं। तो इसमें व्यक्ति विशेष के ऊपर आया है। और आगे देखते हैं देशों के नाम से। तो देश कौन कौन से, जैसे कोई भी देश ले लो, अपना भारत है, चीन है, अमेरिका है, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, कोई भी देश के नाम पे आप ले सकते हैं, तो ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। अगला देखते हैं दिशाओं के नाम। तो दिशाएं अपनी कौन कौन सी है, 4 प्रकार की दिशाएं हम प्रमुखतः 4 प्रकार की दिशाओं के बारे में जानते हैं, जबकि 4 दिशाएं और होती है। आप और हम विशेषतः 4 प्रकार की दिशाओं को ही देखते हैं। तो शुरुआत है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये दिशाओं के नाम पे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और देखते हैं नदियों के नाम पे। तो नदियां जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, कोई
समुद्रों के नाम पे, तो समुद्र जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अपना अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, तो कोई भी अपना सागर हो, समुद्र हो, खाड़ी हो, तो इनके जो नाम विशेष है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और देखते हैं जैसे पर्वतों के नाम पे, पर्वत जैसे हिमालय, अरावली है, विंध्याचल है, कोई भी पर्वत शिखर ले सकते हैं आप, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार कुछ और एग्जाम्पल से जैसे नगरों के नाम है, पुस्तकों के नाम है, महीनों के नाम है, दिनों के नाम है, और त्योहारों के नाम है, ऐसे कोई भी है जिनके अंतर्गत आपको ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। कुछ जैसे जन है, साल है, सॉरी साल है सॉरी ग्रह नक्षत्र है, त्योहार है, तो इनके नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये व्यक्तिवाचक संज्ञा समझने में आई होगी। जिसके बाद में कुछ और संज्ञाएं जैसे जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है, इनकी इनके बारे में जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। तो ये वीडियो आपको समझने में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।